फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कौन सा, कि हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना जाना कौन हो तुम। बउआ की बात ही अलग है कि हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी न जाना कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, कि ये फैसला जो दिल ने किया तो ये भी न पूछा कौन। भैया एक छोटा सा प्रयास देखिए, नोट करिए, और मेरी तरफ एक ही कलम चलेगी, चार पांच नहीं, एक ही कलम, क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं कि हम सबको भर कर ला पाए, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन और जो कलम चल रही वो इतनी छोटी कलम है, बिल्कुल अभी नए नए आप समझिए उग रहे हैं कीर्तन है। हमारे गुरुवर के दादा हरिकिशन जी के बड़े सुपुत्र आदित्य कृष्ण जी बहुत कम उम्र है और अपनी कलम से जो भी आपको सुना पा रहे हैं सुना रहे हैं। अब कट्टी सुनिएगा मेरा, सुनिए, और एक प्रयोग देखिए, ये प्रयोग मैंने किया नहीं है लेकिन बड़े बूढ़ों से सुना है, सुना है, और सुना क्या है, क्या के घी और शहद मिला खाने से मानव मृत बन जाता है। कहते घी और शहद मिलाकर अगर आदमी खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया है और उम्मीद करूंगी आप भी ना करिएगा, कभी खाना नहीं, हो सकता है आपके दिमाग में आए क्रांति माला कह रही थी देखे खा के होता है कि नहीं, देखे चाट के कैसा होता है। लेकिन सुना है मैंने, सुना है क्या, तो घी और शहद मिला खाने से के मानव मृत बन जाता है, लेकिन के दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत बन जाता है। दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत बन जाता है, लेकिन अब यही पांचों के पांचों को कर एक किया, घी शहद दूध दही शक्कर पांचों को कर एक किया, और जब पांचों को एक कर दिया के पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन इससे भी अच्छी एक पंक्ति जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी हमारी माताएं बहनें भी जानती हैं, सुनिए, पांचों को कर एक किया के पांचों को कर एक किया के पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है, लेकिन यही पंचामृत इसी से अगर के प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन बहुत बहुत धन्यवाद बहन क्रांति माला जी।
एक चीज बहुत खटक रही है, रसिया रसिया हो रहे हैं, जवाबी नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरे गाने में आपको कोई रसिया दिखाई दिया? अब कवित्त गाने की बात है, ये तो अपनी अपनी शैली होती है। आप कवित्त गाइए, कोई कवित्त गाना कोई अलग से थोड़ा ही है। आप मुझे ऐसी ऐसी बातें गाने को कह रही हैं कि ये गाइए। मैंने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ ढोलक ऐसी नहीं बजती। इतनी बढ़िया ढोलक आपकी बज रही है, आप स्पेशल लेकर के आई हैं और जनता तालियां बजा रही है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि इस तरह से नहीं बजती। जो आप पे है आप दिखाइए, जो मुझ पे है मैं दिखाऊंगा। कलाकारी हो रही है, कोई अलग बात नहीं हो रही है इस जनता के सामने। इतना क्यों बड़बड़ा रही हैं आप? रसिया चल रहे हैं, बेचारे पीछे वाले भी परेशान हैं। रसिया चवैया, रसिया चवैया। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर रसिया शुरू हो गए तो फिर तो न जाने क्या होगा। जे जे। अरे ये फैसला जो हमने किया, ये फैसला जो हमने किया, ये है। अब ये फैसला जो हमने किया तो ये भी न सोचा वो तो ये दे दिया, ये भी न पूछा चाको। बड़ी हंसी आ जाती है दीदी आपको। ये काम आपने भी किया था अभी अभी। जेहु जेहु। और मैं कम से कम ऊपर ऊपर की ओर हूँ, आप नीचे भाग रही थी। उतारो उतारो दादा उतारो। हास्य व्यंग की बात है, क्योंकि आप मुझे टोक रही हैं कि रसिया जवाबी होता है जवाब से, कुछ कम का तराना सीख लो और छोटों का भी कभी कभी मन लुभाना सीख लो। सम्मान मिल गया है, सम्मान मिल गया है तो अभिमान मत करो, क्योंकि एक बात कही है हमारे गुरुदेव ने, जो गैरों पे उंगली उठाते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती। जो पत्थर दिल हो जाते हैं उन्हें नमी दिखाई नहीं देती। गैरों पे उंगली उठाते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती, और जो आसमान पे उड़ते हैं उन्हें जमी दिखाई नहीं देती। ये अरे पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है। ये कह रही थी प्रयोग आप मत करना, क्योंकि घी और
घी और शहद मिला देते तो मानव मृत्यु बन जाता है। ये उसका भी अपना अनुपात होता है, ऐसा ही नहीं कि कितना भी घी कितना भी शहद मिला दो, अनुपात होता है। और दूसरी लाइन आई, दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत, दूध घी और शक्कर को मिलाने से अमृत बन जाता है। जो जो बहन जी कह रही थी कि तुम प्रयोग मत करना, अरे बड़ी आसान सी बात है, ऊपर वाला प्रयोग कर लो घी और शहद, और उसके बाद थोड़ा सा दूध दही और शक्कर का प्रयोग कर लो, क्योंकि वो अमृत है तो दोनों काम वहीं की वहीं पे सही है। ये है। लेकिन सही बात आपने कही, अरे प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है, प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है, प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन विद्वान लोग बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, चरणामृत कथामृत वचनामृत उनका योग तलक नहीं लगता है। और मैं बच्चा हूं, क्योंकि घोषणा कर दिया रसिया वाले, मैं जानता कुछ नहीं हूं, अगर एक लाइन अच्छी कह रहा हूं सही कह रहा हूं तब आशीर्वाद देना, कि योग तलक नहीं लगता है। और आपने पांच चीज जोड़ दी केवल, कि योग तलक नहीं लगता है, और बिन तुलसी के ठाकुर जी का कभी भोग तलक नहीं लगता है, कभी भोग तलक नहीं लगता है, कभी भोग तलक नहीं लगता है। ये हो, ये हो। जब तक तुलसी दल नहीं डालोगे तो वो पूरा चरणामृत चरणामृत नहीं है, प्रसाद यहां बांटा जाता है। अब मेरा कहना क्या है, आपने पांच चीजें ली हैं, उधर दूध और शहद, घी और शहद मिलाया, उधर तीन चीज मिलाई। अब आप ये कहेंगे घर का सौदा लेके आए हो, महाराज जी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या मृत मानव अमृत से जीता पूर्ण यतन बन जाता है। ये हो। मृत मानव अमृत से जीता पूर्ण यतन बन जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अरे जल पावक दो तत्व मिले, अगर कोशिश की जाए कि जल और अग्नि को मिलाया जाए तो ये दोनों कभी मिलते नहीं, अग्नि होगी जल डालोगे तो वो समाप्त है। जय जय। तब मेरा कहना है, अरे जल पावक के दो तत्व मिले तो निष्फल जतन बन जाता है, जल पावक दो तत्व मिले तो निष्फल जतन बन जाता है, जल पावक दो तत्व मिले तो निष्फल जतन बन जाता है। अब ये जल और पावक मैंने दो तत्व लिए, अब उसके बाद दो तत्व और सुनिएगा, धरा गगन के बीच ये सारा परिवर्तन बन जाता है, धरा गगन के बीच ये सारा परिवर्तन बन जाता है, धरा गगन के बीच ये सारा परिवर्तन बन जाता है। बहन क्रांति माला जी, धरा गगन के बीच ये सारा परिवर्तन बन जाता है, लेकिन अरे वायु तत्व ने पांचों को एक कर दिया। ये है। जल पावक और उधर है धरा गगन। जे जे। अब पांचवा तत्व और आ रहा है, क्या वायु तत्व ने पांचों को एक कर दिया, वायु तत्व ने पांचों को एक कर दिया। ये हो। अब ये पांच तत्व एक हो रहे हैं, किस जगह हो रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा। तो मेरा कहना है, वायु तत्व ले पांचों को एक
कर दिया वायु तत्व ने पांचों को एक कर दिया। ये अब अगर जवाब पसंद आए तो आशीर्वाद। वायु तत्व ने पांचों को एक कर दिया वायु तत्व ने पांचों को एक कर दिया। जब वायु और जब पांचों को अरे पांचों तत्व मिल जाते हैं तो ये नर्तन बन जाते हैं। ये नर्तन बन जाता है। और धरती ये नहीं मिलते कभी, उधर जल और अग्नि नहीं मिलते, लेकिन वायु के मिश्रण में जब ये पांचों को एक जगह मिलाया जाता है, अरे पांचों तत्व जब मिल जाते हैं तब नर्तन बन जाता है। पांचों तत्व जब मिल जाते हैं तब नर्तन बन जाता है। संसार का कोई भी प्राणी हो वो पांच तत्वों से निर्मित है। ये आपका एक कटपीस का जवाब, मेरी ओर से एक प्रयास।